नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन कैसे कर सकते हो जीमेल ऐप के थ्रू। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं जीमेल वाला ऐप। जैसे ही ओपन कर लेता हूँ, मेरे डिवाइस पे जो भी ईमेल एड्रेस लॉगिन है उसके ईमेल्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको ये वाला इंटरफेस शो नहीं कर रहा है तो चिंता मत करिए, 30 सेकंड में हम आ जाएंगे आपके वाले इंटरफेस पे। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर आपको ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है तो इस ऊपर प्रोफाइल पिक्चर या फिर टेक्स्ट का लेटर, फर्स्ट लेटर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे दिखेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये वाला मेन्यू से शो हो जाता है। इस पे हमें क्लिक कर देना है ऐड अनदर अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक कर देता हूँ मैं, ये वाला इंटरफेस शो होगा। और जिन लोगों को पहला वाला इंटरफेस शो नहीं हुआ था तो उनको डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस शो होगा। और इस पे हम अभी आ गए हैं सेम पेज पे। इस पे हमें सिलेक्ट कर देना है गूगल, क्योंकि मेरा जीमेल अकाउंट है तो मैं गूगल सेलेक्ट कर दूंगा। बट अगर आपका कोई दूसरे प्रोवाइडर से अकाउंट है तो उसको भी आप यहाँ पे यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, जैसे आउटलुक, हॉटमेल या फिर लाइव से अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ से लॉग इन, ये क्लिक कर देना है आपको याहू से। बट नेक्स्ट वाला प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होगा सभी के लिए। याहू का है तो याहू पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या फिर ऑफिस 365 का आपका ईमेल एड्रेस है तो यहाँ से क्लिक कर दोगे, या फिर कोई और भी आपकी आपका सर्विस प्रोवाइडर है तो उधर पे क्लिक करोगे, क्लिक के आप मेल एड्रेस लॉग इन कर सकते हो। बट फिलहाल मेरा जीमेल गूगल का है, जीमेल है .com.gmail.com लास्ट में आता है मेरे मेल एड्रेस के, इसकी वजह से मैं गूगल सेलेक्ट कर देता हूँ और ओपन कर लेते हैं हम गूगल। जैसे मैं गूगल सेलेक्ट कर देता हूँ, ये चेक कर लेता है इन्फॉर्मेशन। ये एनिमेशन आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है, चेंज होगा बट जनरली सिमिलर ही होता है। और इसके बाद आपको लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मिलेगा। कुछ डिवाइसेस में ये ना ऑप्शन आए बट मेरे में आ रहा है तो मैं लॉक स्क्रीन का पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ जल्दी से। और उसके बाद वापस से एक बार ये चेक कर रहा है और उसके बाद आपको ये वाला ये मेन्यू मिल जाएगा। इस पर आपको बस ये वाली इस बॉक्स पे बस टच कर देना है। इसके बाद आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पे आप या तो जिस ईमेल एड्रेस से आपने जिस मोबाइल नंबर से आपने ईमेल एड्रेस ओपन कर किया था या फिर ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था वो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, या फिर आपको अगर जीमेल आईडी याद है तो उस जीमेल आईडी डायरेक्टली डाल सकते हो और यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। बट उससे पहले अगर आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप वीडियो को पीछे जाके वापस से देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अब तक पसंद है तो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसमें हम ये हो गया, इसमें हम ईमेल आईडी डाल देते हैं अपनी। तो मैं जस्ट अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ये ईमेल आईडी डाल दी है। आपको आप अगर जीमेल में साइन इन कर रहे हो तो आपको लास्ट में @gmail.com लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग लिखते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट फिर भी आपको इजी जाए इसलिए हम भी लिख देते हैं यहाँ पे आगे @gmail.com लिख दिया। और आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ ये पासवर्ड मांगता है, बट आपको मैं एक बार रीअश्योर करने के लिए कि gmail.com लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ without gmail.com डाले। तो जैसे ही मैं आता हूँ मैं यहाँ से अपना gmail.com निकाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ वापस से वही इंटरफेस शो होगा और गूगल अपनी मन से अपने एल्गोरिदम से @gmail.com ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं होती है @gmail.com यूज करने की अगर आप जीमेल थ्रू यूज का जीमेल ही लॉग इन कर रहे हो, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम पासवर्ड अपना डाल देते हैं। आपका जो भी पासवर्ड हो जिससे आपने मेल आईडी बनाई है वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। और अगर आप गलती से पासवर्ड भूल गए हो या फिर कोई भी रीजन हो आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको फॉरवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड कर देना है। और उसके बाद भी कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपल से ऑप्शन आएंगे और आपको देखना है कि आप अगर पासवर्ड भूल गए हो और इसके ऊपर आपको गाइड चाहिए तो कमेंट में बता देना हमें, हम उसके ऊपर भी एक और वीडियो भी बना देंगे। बट फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पासवर्ड पता है और हम इसमें अपना पासवर्ड डाल देंगे। फिर जस्ट मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ अपना।
और उससे पहले अगर आपको पासवर्ड डालते वक्त कोई स्टार वगैरह सिंबल्स शो हो रहे हैं या आपका पासवर्ड नहीं दिख रहा है और आपको चाहिए कि आपको दिखना चाहिए, तो आप इस शो पासवर्ड के चेकबॉक्स पे क्लिक करके पासवर्ड अपना शो करके मतलब जैसे टाइप कर रहे हो वैसे शो हो जाएगा आपको। मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो जैसे ही मैं डाल देता हूँ मेरे वर्ड सभी शो हो जाएंगे, टेक्स्ट सभी शो हो जाएगा। बट ठीक है, तो ठीक है मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ ये वापस से एक बार कंफर्म कर लेता है कि क्रेडेंशियल सही है कि नहीं, और उसके बाद अग्रीमेंट का साइन आ जा ये स्क्रीन आ जाता है। ये आपको अग्री आई अग्री ये वाला स्क्रीन ना दिख रहा हो तो आपको बस स्क्रोल डाउन करना है, थोड़ा स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको आई अग्री वाला स्क्रीन दिख जाएगा। या फिर मेरा डिवाइस का स्क्रीन बड़ा है इसलिए मुझे पूरे ही स्क्रीन पे आई अग्री दिख रहा है, बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बस आपको थोड़ा सा ये ऊपर ढकेलना है या फिर स्क्रोल डाउन कर देना है, उसके बाद आपको आई अग्री वाला साइन दिख जाएगा। इस पे हम क्लिक कर देते हैं आई अग्री पे। जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ ये फिर से एक बार कंफर्म कर रहा है कि क्रेडेंशियल सही तो नहीं है, और इसके बाद वापस से एक बार थोड़ा चेक कर रहा है इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, और मुझे ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। अगर अब आपको लग रहा होगा कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो आप गलत सोच रहे हो। इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं वापस से मेरे प्रोफाइल पिक्चर पे, और जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ आपको अगर पता हो तो यहाँ पे मेरा पहले ईमेल एड्रेस नहीं था, अब आ गया है, मतलब इसको मैं अब यूज कर सकता हूँ अपने डिवाइस पे। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको इस पे क्लिक कर देता हूँ तो इस ईमेल में जो भी ईमेल्स आए हैं या फिर जो भी इनबॉक्स में ईमेल आए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ये वाला पूरे दोनों अगर मेल्स के आपको ईमेल देखने हैं तो यहाँ ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आप दोनों मेल्स देख सकते हो, बट मुझे फिलहाल इनबॉक्स में ही इनबॉक्स अपने नए वाले मेल पे ही जाना चाहिए, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, अपने इनबॉक्स में जो भी मैसेज है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ना ही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।